क्वेश्चन ने कुछ एक इंपॉर्टेंट, सर मैं बीए पीयू दे अंडर कीती है ते बीएड वाला कॉलेज पीयूपी दे अंडर है। सर मैं इलेक्टिव इंग्लिश दे एडिशनल पेपर देना है, सर मैं पीयू दे अंडर ही देंगी फिर मैं बीए दे एडिशनल? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस तुसी पीयूपी च आ चुके हो, इत्थे लिख दें पीयूपी है ना, सारे समझ लेने, फोन भी बड़े आते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी तो, मान लो एक्स वाई जेड यूनिवर्सिटी है, वो तुसी इस यूनिवर्सिटी चाहें, जिस यूनिवर्सिटी आ गए हो उत्थे माइग्रेशन तुसी ले ली है, माइग लिखा है मैं, माइग्रेशन हो गई, माइग्रेशन ली है, तो इत्थे ही तुसी हुण बी एड कर रहे हो, तो बी एड जिथों कर रहे हो बी ए दे एग्जाम उत्थों ही दे सकते हो, अदरवाइज तुसी माइग्रेशन चाहिए है, जे इत्थों जाना है इत्थे फिर नहीं दे सकते, इत्थे पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ है तुहाडे कोल। सो पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला अलाउ करती है, जे ग्रैजुएशन तुसी दूसरी यूनिवर्सिटी तो की है तो एडिशनल पेपर इत्थों दे सकते हो। सो तुसी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला तो ही एडिशनल पेपर दोगे। नैक्सट है सर, पंजाब यूनिवर्सिटी, सर पंजाब यूनिवर्सिटी ग्रैजुएशन दे एडिशनल पेपर दे वीडियो, हाँ मैं बनाना है, मैनूं थोड़ी जी इन्फॉर्मेशन ये नहीं मिल रही कि जिन्हां ने एनुअल विच दिता है पिछला जो 2011-12 च जिस दे इस तरह के केस ने, वो उन्होंने समिस्टर सिस्टम के एग्जाम होने हैं ज एनुअल दे होने हैं, फॉर्म फिल करते हुए एक रुकावट आई है। सो आ जाएगा राजे। सर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैथ साइंस हो तो बुक्स कौन सी चाहिए फर्स्ट सेम के लिए? बुक्स किसकी आप पूछ रहे हो? आप एक स्पष्ट क्वेश्चन पूछो कि मैथ्स और साइंस की बुक पूछ रहे हो, यूनिवर्सिटी भी नहीं आपने ना बताई, तो आपको ये पूछना पड़ेगा कि कौन सी है। वैसे मेरे ख्याल में पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की आप पूछ रहे होगे, तो वो बुक्स सारा कुछ मैं बता देता हूँ, एक बार आपके सामने लेके आऊँ फिर देखता हूँ। सर प्लीज़ टीचिंग ऑफ सोशियोलॉजी सब्जेक्ट दे एडिशनल पेपर बारे दस दो। टीचिंग ऑफ सोशियोलॉजी बहुत घट कॉलेजों में है, ये गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी किसी च नहीं है, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ते पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में है। मैं जे तुसी कॉलेज पूछना चाहते हो अपने इर्द गिर्द के कॉलेज देखो जिथे सोशियोलॉजी मिलता है उत्थे जाके तुहानू एडमिशन लेनी पैनी है, फिर यूनिवर्सिटी फॉर्म जमा होने हैं, कॉलेज की फीस वक्री लगेगी और यूनिवर्सिटी की फीस वक्री लगेगी। मेरा टाइम नहीं लगा, मैं अदरवाइज लिस्ट कोशिश कराँगा, पर मैं श्योर नहीं हाँ, बिजी बहुत हाँ। सर बी एड 2023 क्लास कदों स्टार्ट होनी है? देखो राजे 11 तरीक उन्होंने ऑफिशियल दिती हुई है, लेकिन 11 दिती हुई है, 18 तक हुण थर्ड काउंसलिंग चल रही है, सारे कॉलेज बिजी ने, दैट इज़ वाई मैं 20 दे करीब दस रहा कि क्लासा शुरू होणगियां। नॉर्मली ऑफिशियली क्लासा शुरू हो चुकी हैं, पर किसी भी कॉलेज ने शुरू नहीं कीतियां हजे, कोई टावां कॉलेज होएगा। सर फर्स्ट सेमेस्टर दे फाइनल एग्जाम कदों होने ने? फर्स्ट सेमेस्टर दे फाइनल एग्जाम दिसंबर जेडे के जनवरी तक पहुँच जाते ने, 2024 हो गया है ना, दिसंबर लैके चलो कि दिसंबर विच शुरू हो जाते हैं, जनवरी तक पहुँच जाते ने, जनवरी दे फर्स्ट वीक तक पहुँच जाते ने। सर मैंने बी एड जम्मू से की है, वो एडिशनल बी एड नहीं करवा रहे, मैं क्या करूँ, सब्जेक्ट कोड के प्रॉब्लम की वजह से जॉब नहीं मिल रहे, होम साइंस से एडिशनल बी एड करनी है। देखो ये सच में ये प्रॉब्लम की बात है, कुछ लोग इग्नो से करके बैठे हैं और इग्नो का ये प्रॉब्लम है, बीए जिन्होंने इग्नो से की है उनके भी कॉम्बिनेशन नहीं बन रहे क्योंकि जॉब के लिए नहीं वो एलिजिबल बन रहे, अभी मैंने एनालिसिस पूरा नहीं किया, तो ये प्रॉब्लम है क्योंकि पंजाब की पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला जो है पंजाब के यूनिवर्सिटी के जो हैं उनको दे रही है, अलाउ कर रही है जिन्होंने पंजाब से की है, बेशक प्राइवेट पंजाब की यूनिवर्सिटी से की है। ऐसा हो सकता है कि पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के आप रजिस्ट्रार या किसी को मिल के रिक्वेस्ट करो कि सर हमारे लिए भी ओपन किया जाए, अदरवाइज़ हाँ ये प्रॉब्लम है। सर जी बी एड एडिशनल फॉर्म फिल करने की वीडियो जल्दी बना दो, कि यूनिवर्सिटी की कह रहे हो नहीं पता लगा। सर जी बी ए एडिशनल हाँ बनाना सत श्रीकाल सर जी, प्लीज़ रिप्लाई, किसी रीज़न करके बी एड ना करन दा प्लान बन गया है कि दस्या है कि कॉलेज वाले फीस 100% जे तुसी नहीं बी एड करना चाहते 100% उन्होंने फीस वापस करनी पैनी है। यूजीसी दे रूल्स एंड रेगुलेशन है, कोई भी बच्चा एडमिशन दी प्रोसेस दे कुछ टाइम पीरियड है उस दे विच जे विदड्रा करता है तो उसनों फीस वापस की जाती है। हाँ रूल दे विच है कि 1000 रुपया जरूर कटिया जाएगा, जो डिपॉजिट है वो जो 1000 रुपया कट लिया जाएगा कॉलेज कर सकता है।
सो नहीं है तो तुसी यूनिवर्सिटी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी मेल कर सकते हो, इमीडिएट एक्शन हो जाता है। अमित कौर सर बड़ी जल्दी एक्शन ले रहे हैं। अच्छा टेक्निक्स ऑफ टीचिंग प्रीवियस हो गया सर, प्लीज़ दस सकते हो कि मैं एम ए इंग्लिश के नंबर वधाण लई किस तरह इंप्रूवमेंट दे ही राजे पेपर होने ने। हुण यूनिवर्सिटी जे पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला है स्पैशल चांस है, फीस ज़्यादा लगती है। सो हर बारी नहीं देंगे, हर यूनिवर्सिटी का रूल हुंदा है कि कदों वो अलाउ करती है कदों नहीं। सो इस बार पता करके हजे डेट्स चल रही हैं एग्जामीनेशन दियाँ, इनक्वायरी तो पता कर सकते हो, है ना। जी मैंने फोन पर पूछोगे 8427454843 फिर मैं पूछता आवगा। सर हुण दिसंबर विच अडिशनल पेपर का क्लैश होने का डर है कि असी हुण दिसंबर वाले पेपर नैक्सट ईयर डर नहीं देखना, मैनू भी नहीं मिल सकिया हजे, मैं टाइम भी नहीं लगा। तुसी डेटशीट देखो तो क्लैश देखो कि हो रहा है कि नहीं, डेटशीट तो किया जा सकता है, जे हुण क्लैश हो रहा अगे भी तो होना ही है ना फिर। सो इस तरह नहीं है, समझना पैना है। दिसंबर विच देखो एक हाँ ये क्लैश हो ही रहा है, ये थोड़ा आइडिया बैटर है कि असी दिसंबर वाले पेपर नैक्सट ईयर भर दई है, क्योंकि उसको टीपी लगी होएगी, क्योंकि वह टीपी लगी होगी पेपर नहीं होएगा। ये गुड आइडिया है, बेस्ट आइडिया है, वैसे ये कोई क्लैश का वो नहीं है। वेरी गुड, शाबाश कंबोज साहब, वेरी गुड, आपको वेरी गुड मिला है, देखा आपने नया आइडिया दिया, मैं भी नहीं सोच सका। सर प्लीज़ रिकमेंडेड बुक दिस पेपर, मैं 10 दिन ना सारा वो एक वीडियो बना दाँगा, डोंट वरी। सर मेरी एडमिशन PWD हुई सी, तो हाँ एक आंसर हो चुके हैं, सो दैट इज़ ऑल, थैंक यू।